चीनू एक शरारती लड़का था। उसे हर वक्त बस शरारतें ही सूझा करती थीं। पर चीनू को भूतिया घटनाओं से कुछ खास लगाव था। वो हर वक्त बैठकर हॉरर कॉमिक्स पढ़ता रहता था। चीनू, क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से अपने रूम में? चलो आओ, बाहर आकर डिनर कर लो। हाँ मम्मी, अभी आया। चीनू अपना फोन उठाता है और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। चीनू, ये क्या हर वक्त तू बस अपने फोन में लगा रहता है? पहले ठीक से डिनर तो कर ले बेटा। हाँ मम्मी, बस मैं कुछ हॉरर वीडियोस देख रहा था। मैं वीडियोस देखते हुए डिनर कर लूँगा, डोंट वरी। तभी चीनू को अपने शहर से जुड़ी एक वीडियो फोन पर दिखाई देती है। चीनू उसे खोल लेता है और देखने लगता है। वीडियो में एक आदमी आता है और बताने लगता है, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके शहर रामपुर में एक ऐसी रहस्यमय घटना हर रोज होती है जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद रहस्यमय बस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये बस हर रोज शहर के मेन बस स्टॉप पर रात के ठीक 3 बजे आती है। माना जाता है कि ये बस आपको आत्माओं की दुनिया तक ले जाती है और फिर वहाँ से जिंदा वापस आना आपके बस में नहीं। तभी मम्मी चीनू से इसका फोन छीन लेती है। चीनू, क्या तू ये हर वक्त ऐसी ऊटपटांग चीजें देखा करता रहता है? ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। अरे मम्मी, अगर कुछ नहीं होता तो भला डरने की क्या बात। बस मुझे कुछ और नहीं सुनना, चुपचाप अपना डिनर खत्म करो और सोने जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। तभी चीनू के पड़ोस में ही रहने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड राजू चीनू से मिलने आता है। क्या हुआ आंटी, अब क्या किया चीनू ने? क्यों चीनू, अब क्या किया तूने? कुछ भी नहीं राजू, वैसे तुम इतनी रात गए यहाँ कैसे? हाँ चीनू, वो मैं तुझसे अपनी मैथ्स की कॉपी लेने आया था कल स्कूल के लिए। ओ वो, हाँ वो मेरे रूम में है, आओ मैं तुम्हें दे दूँ। राजू मेरे पास एक प्लान है। क्या? देखो राजू, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे हॉरर एडवेंचर्स कितने ज्यादा पसंद हैं, और मैं कब से ऐसा कुछ एटलीस्ट एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहता हूँ। अरे चीनू, तू फिर वही सब लेकर बैठ गया। हाँ राजू, मैं सचमुच में देखना चाहता हूँ कि ये सब होता है या सिर्फ धोखा है, और मेरा आइडिया इस बार सच में बहुत अच्छा है। और वो क्या है? फिर से पिछली बार की तरह रात में चुपके से स्कूल में घुसना और फिर एक हफ्ते तक पनिशमेंट पाना। देख चीनू, इस बार मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे नहीं राजू, तूने उस रहस्यमयी बस के बारे में सुना है ना? क्या वही बस जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो रात के 3 बजे चलती है? हाँ हाँ वही। मैंने प्लान बनाया है कि आज रात 3 बजे मैं उसके बारे में पता करने जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है चीनू, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, और अगर तू गया तो मैं तेरी मम्मी को सब बता दूंगा। चीनू तू समझता नहीं, इसमें बहुत खतरा है। देख राजू, तुझे आना है तो आ, वरना मत आ, पर तू मेरा प्लान फ्लॉप मत कर, तुझे अपनी दोस्ती की कसम। कसम सुनकर चीनू चुप हो जाता है और गुस्से में अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर में चीनू के घर पर सब सो जाते हैं और चीनू 3 बजने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजता है, चीनू बेड से धीरे से उतरता है और एक बैग में अपना कुछ सामान रखकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाता है। आज तो मैं इस रहस्यमयी बस के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा, देखता हूँ ये बस मुझे कहाँ ले जाती है आखिर। राजू अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। मुझे पता ही था ये चीनू मानेगा नहीं, अब मुझे भी इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, क्यों बनाया तूने मुझे इसका बेस्ट फ्रेंड। राजू भी खिड़की से कूदकर चीनू के पीछे पीछे जाने लगता है। चीनू के एकदम पास पहुंचकर राजू धीमे से कहता है, ओए चीनू के बच्चे रुक जा, मैं भी आया। मुझे तो पता ही था तू आएगा, पर डरपोक, आखिर तुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बकवास बंद कर और वादा कर कि हम तुरंत बस स्टॉप से वापस आ जाएंगे और ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे। वैसे भी मुझे पता है कोई रहस्यमय बस नहीं आने वाली। ठीक है अब जल्दी चल,
हमें 3 बजने से पहले वहाँ पहुँचना है। दोनों बस स्टॉप पहुँचते हैं। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि बस स्टॉप पर बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लैम्प की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तभी जब वो जाने लगते हैं कि तभी एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हॉर्न के साथ एक धीमी आवाज भी सुनाई देती है। टिकट 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 बोलो कहाँ जाओगे? टिकट टिकट टिकट। दोनों मुड़ते हैं और देखते हैं कि बस स्टॉप के ठीक सामने एक बस खड़ी थी। इतनी ही नहीं, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उस बस में बहुत भीड़ थी। चीनू खुशी से उछल पड़ता है। यस, फाइनली मुझे ये रहस्यमयी बस मिल ही गई। चल राजू, चलते हैं। पर राजू चीनू का हाथ पकड़ लेता है। नहीं चीनू, तूने वादा किया था तू बस स्टॉप से वापस चलेगा तुरंत। अरे वो तो तब जब हमें बस नहीं दिखती, पर तू ऐसा चांस कैसे जाने दे सकता है? वो रहस्यमयी बस ठीक मेरे सामने है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। राजू चीनू को मना ही कर रहा होता है कि तभी बस का हॉर्न बजता है जैसे वो जाने वाली हो। चीनू राजू का हाथ छुड़ाकर बस में दौड़कर चढ़ जाता है, पर डर के मारे राजू कुछ भी नहीं कह पाता। इधर बस में चढ़ने के बाद चीनू देखता है उसके सामने सीट पर बहुत सी आत्माएं बैठी हुई थीं और उन सब की नजरें चीनू पर टिकी थीं। चीनू धीमे से जाकर पीछे की एक खाली सीट पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक छोटी लड़की बैठी थी। वो चीनू की तरफ देखकर कह रही थी। उसकी डरावनी हंसी देखकर चीनू दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। दोबारा देखने पर वो लड़की गायब हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब सच है या सिर्फ एक सपना? कहीं मैं नींद में तो नहीं? तभी बस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। बस की रफ्तार हर सेकंड पर और तेज होने लगती है और अचानक से हर तरफ घना अंधेरा हो जाता है। ये एक टनल जैसा था। अंधेरे में चीनू को डर लगता है और बस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से चीनू आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी बस रुकती है। चारों ओर सन्नाटा था। चीनू धीमे से आंख खोलता है। चीनू खिड़की से बाहर देखता है और वो दंग रह जाता है। खिड़की के बाहर एक अलग दुनिया थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कई जगह आग लगी हुई थी और धुआं निकल रहा था। चीनू बस से नीचे उतरता है और कुछ दूर तक चल के जाता है। तभी उसे खून दिखाई देता है। वो खून थोड़ी दूर पर पड़े एक जानवर के शरीर से निकल रहा था, जिसे एक इंसान की तरह दिखने वाला शैतान चबा चबा कर खा रहा था। ये सचमुच आत्माओं और पिशाचों की दुनिया थी। ये खौफनाक सीन देखकर चीनू के पैर कांपने लगते हैं और उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो शैतान चीनू की तरफ देख लेता है। चीनू दौड़ते हुए बस की ओर बढ़ने लगता है। वो पीछे देखता है तो वो शैतान भी चीनू का पीछा तेजी से कर रहा था। चीनू आंखें बंद करके खूब तेज दौड़ता है और बस में पहुंचकर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर छिप जाता है। तभी बस चल देती है फिर से उतनी ही तेजी से। फिर से एक बार टनल आती है और कुछ देर में बस रुक जाती है। चीनू हिम्मत करके उठता है और बाहर देखता है। बाहर देखने के बाद चीनू राहत की सांस लेता है। बाहर वही बस स्टॉप था जहाँ से वो चढ़ा था। वो बिना देरी किए बस से नीचे उतर जाता है। तभी चीनू की नज़र राजू पर पड़ती है जो कि बस स्टॉप के कोने पर बैठकर रो रहा था। चीनू कांपते हुए राजू के पास जाता है। राजू जैसे ही चीनू को देखता है वो उसे गले से लगा लेता है। तू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से हर बार तू भी मुसीबत में पड़ जाता है। अब मैं वादा करता हूँ मैं कभी ऐसी हरकत या जिद नहीं करूँगा। चल घर चले वापस। दोनों घर चले जाते हैं और चीनू कभी भी दोबारा भूतिया या रहस्यमयी जगहों का नाम नहीं लेता।